हाय गाइस, व्हाट्स अप? दिस इज आशीष शर्मा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। किवें हो तुसी सारे? सो गाइस, दिस इज माय डेली व्लॉग। और आज मैं जाने वाली हूँ एक न्यू कैफे। इट्स यू नो लाइक वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यूनिक है, प्ले सेशन है और बहुत ही रॉ उन्होंने बना रखा है। बहुत ही ज़्यादा फैंसी नहीं है बट स्टिल इट्स ऑर्गेनिक और मुझे बहुत पसंद आया। मैंने सोचा मैं लास्ट टाइम जब गई थी तो नेक्स्ट टाइम जाऊंगी और आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाऊंगी ज़रूर। सो आई एम गोइंग देयर फॉर कॉफ़ी डेट। मे बी आई विल गो सोलो और मे बी आई विल गो विद माई फ्रेंड, विच यू लाइक इट। और आप मेरे साथ कॉफ़ी डेट पर जाना चाहते हो तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और चलिए लेट्स गो। और ये मेरी न्यू ड्रेस जो मैंने आज पहनी है, हाउ इज़ इट? ओके, पिंक एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन, इट्स अमेजिंग वेस्टर्न ड्रेस। और वल्ला कैफे है नाम, तो चलते हैं मेरे कैफे। हाय गाइस, फाइनली आई एम गोइंग विद ज्योति। कैसे हो? हाय, क्या बोलना चाहोगी तुम मेरे दर्शकों को? दर्शकों को? तुम्हारे दीवानों को? मेरे दीवाने कोई नहीं है सिवाय मेरे खुद के। वैसे होता है ना यार कि मैं मेरी फेवरेट हूँ। सही बोला करीना ने, एक्चुअली मैं मेरी फेवरेट हूँ। लोग कितने फेवरेट मानते हैं। एक्चुअली क्या होता है, मैं तुम्हें एक बात बताती ज्योति, तुम सबको बताती हो ना, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। हम किसी के ना हम मतलब मेरे बहुत सारे लोग फेवरेट हैं पर सबसे खास कौन है वो नहीं पता। तो मुझे खास बनना है, तो मुझे खास बनना है। फेवरेट तो सभी होते हैं, है ना? किसकी खास बनना है? आम लोगों की, केजरीवाल में आता है हम लोग। वैसे सीजन चला गया आम का, आम तो अमरूद बन जाओ। अमरूद बन जाते हैं, चलो सही है। गाइस आपको पता नहीं है, ये बहुत बड़ी पोएट्री फीमेल आर्टिस्ट है ये, और ये बहुत ही अच्छा 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 बोलती है और लिखती है। शादी में सबसे मजा आता है फोटोग्राफर को। अच्छा, मैं मेरी जॉ लाइन देख रही हूँ जो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। जो उगा लो खेत दिखाऊं। ये बेचारी को ऑटो नहीं मिल रहा है, मुझे मेरा कैफे नहीं मिल रहा है, वल्ला जाना है, मैंने क्या करूं मैं? मिल गया हमें ऑटो, फाइनली। तुम्हें किसका खास बनना है? मुझे खुद का, जनता का, देशवासियों का, सबका प्यारा। चलो गाइस। सो गाइस, मैं पहुंच गई हूं वल्ला पर, जो है अंधेरी वेस्ट, नियर टू फन रिपब्लिक लेन। एंड बहुत ही अमेजिंग एम्बियंस है यहाँ का, बहुत सारी प्यारी प्यारी गेम्स हैं यहाँ पर। ये है प्ले गेम, आप लोगों ने तो खेली होगी, सुपर खेलने वाली पब्लिक। एंड इट्स अमेजिंग अमेजिंग, आप देख रहे हो कितना रॉ है यहाँ पे सब कुछ, ऑर्गेनिक। और तुम्हारी फेवरेट कौन है? ज्योति। हाय, हाय। कैपेचिनो में शुगर चाहिए? नो। तुम बात कर लेना, वैसे मीठी हो जाएगी। हाय, ये डिंपल। गाइस गौर करें इस डिंपल पर। हाय, इसमें एक बोरी चावल तो आ सकता है। एक बोरी चावल। कॉफी शुड बी ब्लैक एज हेल, स्ट्रॉन्ग एज डेथ एंड स्वीट एज लव। वो दिखाओ, वो लिखता इतना। ओह, सुनो, तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हारी ये फोटो देखी थी मैंने तुम्हें क्या बोला, ये कहाँ कौन सा कैफे है? वल्ला। तुम जान गई। मतलब मुंबई के ऑलमोस्ट कैफेज होते हैं ना कि किसी की मैं फोटो देखती हूँ या रील देखती हूँ, वीडियो देखती हूँ, तुम्हें खुद ही बोलती है अच्छा आप इस कैफे में हो। ये सारे कैफे जानती है, सारे। जैसे लड़कियाँ पानीपुरी जानती है, पानीपुरी कड्डा जानती है, वैसे ही सारे कैफे जानती है, कॉफी हाउस जानती है। चलो अभी क्या पीने वाले हम? कॉफी ईगो। क्या बोलती है यार, मस्त बोलती है। अच्छा, ये बोल रही है ईगो पी लो ताकि लोग आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता पाए, क्योंकि किसी इंसान में ईगो है तो मैं तो बैठना भी पसंद ना करूँ। ये बैठ गई है क्योंकि मेरे में ईगो नहीं है। है ना? ईगो नहीं है, गो। ईगो नहीं है, गो। ईगो गो, हाँ ईगो। चलो आई विल गिव ऑर्डर।
है क्या ऑर्डर के लिए? आप भी हो? हाय, कैसे हो आप? बहुत अच्छी, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। आप प्लीज आप मुझे कॉफी दे दो। हॉट कॉफी को हॉट कर। सो कैपचिनो मेरी फेवरेट है। फॉर ज्योति आई एम गोइंग टू गिव ऑर्डर कोल्ड एंड फॉर मी हॉट। क्या खेल रही हो ये? खेल रही मैं गेम खेल रही हूँ, मैं लोगों के दिलों के साथ नहीं खेल रही हूँ। सो गाइस ये मैंने खेली है शतरंज की गेम जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। किसी को आती है तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम सिखा देना वल्ला पर आकर। और चलिए कॉफ़ी मैंने ऑर्डर दे दी है और अमेजिंग पेंटिंग्स यहाँ पर मुझे दिख रही है। रॉ टेरेस है इनकी, ये देखो इन्होंने फॉइल भी लगा रखा है जिससे टेरेस बनाई है। कॉफ़ी कब आएगी प्लीज़ बता दो मुझे कब आएगी। और आपको पता है ये लोग ना बहुत प्यारी सी कॉफ़ी के साथ ना एक चीज़ बहुत अच्छी देते हैं जो लोगों के पास तो बिल्कुल नहीं है, पर ये लोग देते हैं। वो बोलते हैं कि बिस्किट खाओ दिल वाला और अपने दिल की जो दिल दिल जो है आपका वो प्लीज़ बरकरार रखो। Am I right? But that is, you know, दिल वाला कि लोगों के पास दिल की कमी है। दिल से तो आप चाहते हो दिल से बटर खाना है, लगाना नहीं है। मक्खन लगा रही हो तो बटरिंग कर रही है, बटरिंग। थैंक यू भैया, आप दिल वाला बिस्किट लाए हो? अच्छा दिल वाला बिस्किट लाए हैं, वेरी नाइस। क्या हंस रही हो तुम? हंसो हंसो, हर मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे कुछ तो छुपा होता है। वही हो क्या तुम? वो नहीं हो सकती तुम। मेरी ताड़का जैसी हंसी है क्योंकि वो मैं हूँ। Cheers! Enjoying my coffee. So guys, ये है दिल वाले बिस्किट और शुगर है ब्राउन। ये भैया एक और लेके आए हैं, वाओ सो गुड। सो गाइस हम लोगों ने कॉफ़ी जो है फिनिश कर दी है। और इनको इतनी अच्छी कंपनी लग रही है कि मैनेजर अपने काम के बारे में भी आ रही है। थैंक यू, सो स्वीट यार। हाय गाइस, फाइनली डेट विद ज्योति इज डन। घर जा रही हूँ, मुझे छोड़ के तुम आ रहे हो। सो गाइस मैं वल्ला कैफे से घर आई हूँ और मैं बना रही हूँ यहाँ पे माय डिनर। सो आई एम गोइंग टू हैव टुडे टोफू सैलेड और दाल, पर मैं बनाऊँगी टोफू एंड सैलेड और आप देखिए मैं कैसे बनाऊँगी। एक्चुअली मैंने ना आज से 2-3 दिन पहले से डिनर में मैंने राइस और चपाती कर दी है बन। आई एम गोइंग टू रिड्यूस माई फैट। तो मैं सोच रही हूँ कि सैलेड स्प्राउट, और जब भी मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी तो मैं उसमें डाल दूँगी चाट मसाला और घर पर बनाकर खाऊंगी जितना हो सकता है। मैं अवॉइडिंग आउटसाइड, मैं वल्ला कैफे में बहुत कुछ खा सकती थी बट आई डोंट वॉन्ट टू ईट, यू नो, मैदा एंड हैवी फूड एंड जंक फूड। वैसे भी आपने देखा होगा हर ब्लॉग में या तो मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करती हूँ विच आई एम गोइंग टू रिड्यूस इट फ्रॉम माई डाइट। और मैं चाहती हूँ कि ब्लॉग को आखिरी तक देखें मैं क्या बनाने वाली हूँ और क्या खाने वाली हूँ। अभी बजे रात के 8, सो 8 बजे होगा मेरा डिनर और उसके बाद मैं जाऊँगी वॉक पर और ये ब्लॉग को करेंगे ख़त्म। लेट्स गो। सो गाइज यहाँ मैंने लिया है टोफू, ककुम्बर, 1 टमाटो, चाट मसाला एंड थोड़ा सा ऑर्गेनो। और ये मटर मैंने बॉईल किया है लेफ्ट पैन में। और सबसे पहले टोफू को मैंने कट किया सैलेड बनाने के लिए, टमाटो एंड ककुम्बर। और अब देख रहे हैं कि मैंने मटर को बॉईल करने डाल दिए हैं और इसको रखते हैं फ्रिज में, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे, फिर मेरे किसी काम के नहीं रहेंगे। सो वैल्यूएबल थिंग्स
मुझे ऐसा लगता है कि सब्जियां कभी बाहर नहीं रखनी चाहिए, जो बच गई है उसको फ्रिज में ही रखना चाहिए। सब लोग वैसे ऐसे ही करते हैं, जो लोग भूल जाते हैं या भूल जाते हो प्लीज़ आप ध्यान रखें नेक्स्ट टाइम खाना ख़राब ना हो, और उतना ही बनाना चाहिए जितना आप खा सको, नेक्स्ट डे खाना बचना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है बहुत रेयर होता है कि मैं खाना बचा देती हूँ, पर जब बचा देती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। टोमेटो हो रहे हैं रोस्ट, और इसके बाद हम डालेंगे टोफू। टोफू इज़ बेटर देन पनीर, पनीर में फैट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, टोफू में प्रोटीन ज़्यादा होता है। और मैंने ये लिया है रॉक सॉल्ट और चाट मसाला, पानी पूरी नहीं बना रही हूँ मैं, फिर भी चाट मसाला डालूँगी टू चेंज द टेस्ट। और क्या देख रहे हो, मतलब खाना बन रहा है, थोड़ी देर में पक जाएगा और फिर मैं खा भी लूँगी। और किसी को पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। एंड आर यू गाइस प्योर नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोग प्योर वेज हैं या नॉन वेजिटेरियन। एंड यू कैन सी आई एम कुकिंग हियर, आई एम मेकिंग इट टोफू सैलेड अलोंग विद दिस मटर। तो आप लोग वेज खाते हो या नॉन वेज खाते हो कॉमेंट में ज़रूर बताएं। बाय द वे मुझे ऐसा लगता है बीइंग वेजिटेरियन इट्स रियली गुड, फैट कम करने में भी थोड़ा सा डिले करता है, पर बीइंग एन हिंदू हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। एग इज़ फाइन, पर कुछ लोग बोलते हैं कि एग जो है वो भी नॉन वेजिटेरियन में आता है, बिकॉज आई डोंट हैव नॉलेज, क्योंकि मैंने कभी अंडा भी नहीं खाया, और ये मेरी चॉइस है। तो इंसान खा रहे हैं उसे गलत नहीं बोलती, काफ़ी सारे लोग हैं बॉडी कम करने के लिए फैट रिड्यूस करने के लिए वो लोग नॉन वेज पर आ चुके हैं, खाना नहीं चाहते बस स्टिल यू नो नहीं खाना चाहते हैं पर खाना पड़ता है, लड़कों का खास कर ये साग है। इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, अकड़ और कात अनुसार जो नहीं है उसमें, ठीक है। ऑर्गेनो ये हम बाद में डालेंगे, फिलहाल हम डालते हैं टोफू। कल मैं जो गई थी मैंने वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में टोफू टोफू के साथ थाई करी या सॉस उन्होंने कुछ तो दिया था मुझे, अमेजिंग। तो मैंने सोचा कि मैं अपना सारा डिनर स्विच कर दूँ टोफू पर, पनीर से ज़्यादा हेल्दी होता है, फैट भी होता है एंड आपको प्रोटीन मिलता है विद नो कार्ब्स। तो ये जो मटर हैं हमारे बॉयल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट बॉयल हो गए। जो लोग सोचते हैं लड़कियों को खाना बनाना नहीं आता, तो मुझे तो कुकिंग करने के लिए बहुत ही समय चाहिए होता है, क्योंकि कुकिंग एक ऐसी कुकिंग के लिए समय इसलिए चाहिए होता है कि मुझे अच्छा लगता है कुकिंग करना। और खाना तो दिल से बनाना चाहिए, प्यार से मोहब्बत से, ताकि वो जो टेस्ट है खाने में, एक स्पून भी कोई इंसान खाए तो फिर भी लाइक वाओ। खैर टोफू जो है पक चुके हैं ऑलमोस्ट, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, उसके साथ जो टमाटर वो भी रोस्ट हो चुके हैं, बहुत सही एकदम यमी 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 वाला एकदम टेक्सचर मुझे लग रहा है। यहाँ पे अब करती हूँ मैं, तो कुकुम्बर हो जाएंगे कट, जो मैं सैलेड के साथ में खाने वाली हूँ अपने डिनर में टुडे। सैलेड की क्वांटिटी में ज़्यादा रखूँगी आजकल, मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब भूख भी लगती है और खाने का मन करता है, पर अलग अलग नहीं खाना करके, तो मैंने कुकुम्बर ज़्यादा कट किया है मेरे लिए। ये हो गया है मटर, इसको हम निकालेंगे थोड़ी देर बाद। टोफू की शक्ल देखो आप लोग, ओ माय गॉड बच गई, टोफू की शक्ल देखो, amazing. It's looking tempting. Drisha, कैसा लग रहा है मेरा सैलेड, टोफू सैलेड? देखने में गजब भाई। गजब नहीं, खा के बता तू, पहला टेस्ट बिल्कुल कराऊंगी मैं। Wow. पक्का? Yes, so guys,
आई एम फुली प्रिपेयर्ड, मैं अपना खाना खुद बना सकती हूँ, वो भी डाइट वाला। सच में बहुत अच्छा बना यार। नो बाय द वे, मैं अपना मील एंजॉय करती हूँ। रात के बजे हैं 9, मैंने बोला था 9 बजे तक खाना बन जाएगा, खाना खाती हूँ। सो कैसा लगा ब्लॉग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। टेक केयर, बाय, लॉट्स ऑफ लव। खा लेती हूँ, एक सेकेंड। वेरी नाइस यार, क्या है ना, मेहनत करके बनाया तो अपना टेस्ट भी तो आना चाहिए। ऑब्वियसली क्यों नहीं। तो ब्लॉग को करते हैं एंड, आप लोग भी सो जाना टाइम पर, मैं सो जाऊंगी टाइम पर। टेक केयर, बाय, लॉट्स ऑफ लव। कमेंट, लाइक एंड शेयर। टोफू सैलेड आपको खाना है मेरे साथ और कॉफी पीनी है तो प्लीज कमेंट करें।